अगर आज के टाइम में हम इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम लेते हैं तो मार्केट में बहुत सारे आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर ऐसे हैं जो शुरू से लेकर लास्ट तक बने हुए हैं और आज भी मार्केट में अपना अच्छा खासा पकड़ बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो उसमें TVS का जो IQ है वो भी नाम सामने निकल के आता ही आता है। इसका मॉडल और डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं तो बाकी जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं उससे काफी ज्यादा मस्कुलर लुक इसमें सामने निकल के आता है। अगर हम TVS IQ की बात कर लेते हैं तो इसमें तीन वेरिएंट आते हैं। पहला होता है TVS IQ, फिर उसके ऊपर TVS IQ S वाला वेरिएंट आता है और इसके ऊपर एक और सा वेरिएंट होता है TVS IQ ST। लेकिन अगर मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात कर लेते हैं तो TVS IQ जो है सबसे बेस वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में हम सारा कुछ बात करने वाले हैं, क्या इसका ऑन रोड प्राइसिंग क्या है, माइलेज किस टाइप की इसमें बैटरी यूज की गई है, कि आज भी ये मार्केट में बनी हुई है। तो सबसे पहले हम इसके की से स्टार्ट करते हैं। आप देखिए इसका जो की है बाकी जितने इलेक्ट्रिक स्कूटर से काफी अलग बनाया गया है। तो इसमें आपको फ्लिप वाला की आपको देखने को मिल जाता है, साथ साथ एक अलग अच्छी फीचर आपको अलग देखने को मिल जाता है। ये देखेंगे इसमें आप टॉर्च का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो रोबोटिक वाला आपको DRL देखने को मिल जाता है। अगर इसका आप देखेंगे DRL में थोड़ा सा स्मोकी सा भी आपको DRL देखने को मिल जाता है। यही अगर हम रात में इसकी विजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें रात में आपको अच्छा खासा इसकी विजिबिलिटी देखने को मिल जाता है। हम वाइजर की बात कर लेते हैं तो आपको ब्लैक कलर का ही वाइजर देखने को मिल जाता है। TVS का आपको 3D में ही बैजिंग देखने को मिल जाएगा। ब्लैक और व्हाइट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन रखा गया, मतलब डुअल टोन में इस गाड़ी को रखी गई है। और इसकी हेडलैम्प सेटअप की बात कर लेते हैं तो LED टेक वाला आपको हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है। चाहे पेट्रोल की बात करें या फिर इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर ले तो इसमें LED टेक ही आपको जो है हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम इसकी लो बीम और हाई बीम दोनों ही आपको LED में ही देखने को मिल जाते हैं। हम इसके टर्न इंडिकेटर की बात कर लेते हैं तो LED में ही आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। हेजार्ड लाइट वाला सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। मडगार्ड की डिजाइनिंग की बात कर ले तो ये जो है मेटल में ही देखने को मिल जाता है। मतलब जितने भी आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलते हैं उनकी जो मॉडल और डिजाइन होता है वो काफी जो है थोड़ा सा पतला पतला दिखता है। इसका जो प्रॉपर स्कूटर होता है उस टाइप का आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा, मतलब एक नजर में ही आपको ये डिजाइन पसंद आने वाला है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। अगर अलॉय व्हील की डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि डायमंड कट जो है आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। यहीं पर अगर हम इसके टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो ये है 90-90 12 इंच का, इसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। फ्रंट या फिर बैक की बात करें दोनों साइड जो है आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर ही देखने को मिल जाता है। फ्रंट में जो है आपको 120mm का जो यहाँ देखेंगे डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम पीछे डिस्क ब्रेक की बात कर लेते हैं तो पीछे कोई भी आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल जो आपको ड्रम वाला ब्रेक होता है वही आपको देखने को मिल जाता है। साइड में आपको देखेंगे IQ का बैजिंग देखने को मिल जाता है। और कॉर्नर कॉर्नर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है क्रोम का फिनिशिंग दिया गया है। इलेक्ट्रिक आपको देखने को मिल जाएगा जो ब्लू कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसकी डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं तो काफ़ी यूनिक आपको यहाँ पे डिजाइनिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम लेग स्पेस की बात कर लेते हैं तो इसमें अच्छा खासा जो देखेंगे आप लेग स्पेस देखने को मिल जाएगा, मतलब जो है काफ़ी अच्छा खासा जो बीच में आपको लेग स्पेस देखने को मिल जाता है। एक और चीज़ आपको काफ़ी यूनिक इसमें देखने को मिल जाएगा, मोटर के बगल में ही आप देखेंगे यहाँ पे TVS इलेक्ट्रिक का बैजिंग आपको देखने को मिल जाता है जो कि ब्लू कलर में ही आपको देखने को मिल जाएगा। यही अगर गाड़ी रात में चलेगी तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक आपको देखने को मिलेगा। ये जो इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है इस गाड़ी के जो खूबसूरती को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर दे रहा है। कुछ इस तरीके आपको हैंडल बार देखने को मिल जाता है, लो बीम हाई बीम का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न और यह देखें हेजार्ड लाइट का जो है आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ साथ में पार्क असिस्ट का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब गाड़ी को पार्क कर सकते हैं यहाँ से। और दूसरा चीज़ यहाँ पर मोड भी चेंज करने को मिल जाता है। इसमें देखेंगे आप छोटा सा आपको डिजिटल कंट्रोल देखने को मिल जाता है। यही हम इसके जो ऊपर वाले मॉडल में जाते हैं यानी TVS IQ S वाले वेरिएंट में बड़ा सा जो आपको TFT डिजिटल कंसोल देखने को मिल जाता है जो कि लगभग 7 इंच का आपको देखने को मिल जाता है। तो जब से हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे TVS का लोगो देखने को मिल जाएगा, फिर IQ आएगा, उसके बाद आपको लिखेगा वेलकम IQ। इस तरीके का कुछ आपको कंसोल बन के दिख जाता है। बाकी बैटरी का परसेंटेज आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ ब्रेक प्लस मोड स्विच को अगर हम प्रेस करेंगे फिर गाड़ी जो है अपनी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके का इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी 71% जो इसकी बैटरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये हमारा ब्रेक हुआ और ये हमारी गाड़ी जो है यहाँ पे देखिए ऑन हो चुका है। मैंने ब्रेक को प्रेस किया और मोड को दबाया जो हमारी गाड़ी देखिए यहाँ पे ऑन हो चुकी है। इसमें क्या क्या चीज़ें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ओडोमीटर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ट्रिप का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, एवरेज जो स्पीड है उसका ऑप्शन आपको देखने को, बाकी यहाँ पे स्पीडोमीटर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इको मोड और पावर मोड का दो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ में एक और चीज़ इसमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पर देखिए अपने इस गाड़ी को जो है आप फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो गाड़ी स्मार्ट टैक्स कनेक्ट से आता है मतलब आप इस गाड़ी को जो है फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। स्मार्ट टैक्स कनेक्ट जो है TVS की बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं उनमें सारा दिया गया है, तो वही चीज़ इसमें भी दिया गया है। बाकी यहाँ पर यहाँ आप देखेंगे एरो बनाया गया है बैटरी का परसेंटेज का, 71% जो है यहाँ पर बैटरी आपकी चार्ज है। बाकी हम इसकी मोड की बात कर लेते हैं, ये मोड है, मोड को अगर हम प्रेस करते हैं यहाँ देखेंगे गाड़ी पावर मोड में आ चुकी है, फिर एक बार और प्रेस करते हैं तो इको मोड में अपनी गाड़ी आ चुकी है।
अगर हम इसकी बूट स्पेस की बात कर लेते हैं तो 17 लीटर का जहाँ पर देखेंगे बड़ा सा आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। मतलब इसमें अगर आप हेलमेट भी रख लेते हैं, हेलमेट भी रखने के बाद जो है आपको थोड़ा अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। साथ साथ में देखेंगे इसमें आप USB पोर्ट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहीं पर हम इसकी बैटरी पैक की बात कर लेते हैं तो 3.4 किलोवाट की यहाँ पे बैटरी यूज की गई है जो IP67 प्रूफ है। मतलब ये पानी वगैरह से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, चाहे बारिश की पानी होगी चाहे और भी कोई पानी होता है उससे इस बैटरी पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। 3.4 किलोवाट वाला यहाँ पे हब मोटर यूज किया गया। यहीं पर हम इस गाड़ी की टॉप स्पीड की बात कर लेते हैं तो 78 किलोमीटर पर आवर के इसमें टॉप स्पीड आपको देखने को मिल जाता है और 0 से 60 ये जो 4 सेकंड में ही गाड़ी जो अपनी डिस्टेंस कवर कर लेती है। अगर यहीं पर हम इसकी चार्जिंग टाइम की बात कर लेते हैं तो लगभग 5 घंटे में ये गाड़ी अपनी फुल चार्ज हो जाती है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे चार्ज होती है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे चार्जर लगाया गया है, यहीं पर अपनी गाड़ी को जो है यहीं पर आप प्लग करके अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। तो 5 घंटे में अपनी गाड़ी ये फुल चार्ज हो जाती है और एक बार चार्ज होने में लगभग जो ये 105 किलोमीटर का यहाँ पर फुल रेंज देती है। अगर इस गाड़ी की डायमेंशन की बात कर लेते हैं तो 170 kg में आपको गाड़ी देखने को मिल जाती है। यहीं पर अगर हम इसकी सीट हाइट की बात कर लेते हैं तो 770 mm की यहाँ पर आपको सीट हाइट देखने को मिल जाती है। यहीं पर अगर हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो 157 mm का आपको अच्छा खासा यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। मतलब जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर होने के साथ साथ अच्छा खासा यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। यहीं पर अगर हम इसकी ओवरऑल लेंथ की बात कर लेते हैं तो 1805 mm का आपको यहाँ पर लेंथ देखने को मिल जाती है। फाइनली हम इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो ये ऑन रोड लगभग 1,45,000 में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर इस गाड़ी को आप लेना चाहते हैं, इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी लेना चाहते हैं या फिर बुक कराना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अगर हम इसके एड्रेस की बात कर लेते हैं तो क्रेसेंडो TVS वाला शोरूम आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो लखनऊ में पड़ता है, लेखराज वाला मार्केट है उसी के सामने।